डीडी किसान बदलते भारत की शान। डीडी किसान बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे मक्का, मसूर, जौ, सरसों, चने और टमाटर की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन सबसे पहले सुर्खियाँ। मंगलवार को मक्का के बाजार में आई चमक, हालांकि जंबूसर मंडी में दर्ज हुई 200 रुपए की गिरावट। ज्यादातर मंडियों में कमजोरी के साथ हुआ मसूर का कारोबार, कुछ मंडियों में तेज रहे भाव। उत्तर प्रदेश की मंडियों में 2400 रुपए के ऊपर बिकी जौ, विजयनगर में 2150 रुपए रहा भाव। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मक्का से। मंगलवार को कृषि उपज मंडियों में मक्का का कारोबार तेजी के साथ हुआ। विजयनगर, लखीमपुर और हरदोई मंडियों में भाव बढ़ते हुए नजर आए, जबकि कुछ मंडियों में भाव नरम भी रहे। मक्का के कारोबार पर पेश है यह रिपोर्ट। मंगलवार को कृषि उपज मंडियों में मक्का के कारोबार में मजबूती का रुख रहा, वहीं कुछ मंडियों में भाव सुस्त रहे। एग्मार्कनेट के अनुसार राजस्थान की विजयनगर मंडी में मक्का का कारोबार तेज भाव पर हुआ। यहां 28 अक्टूबर को मक्का का भाव 2100 रुपए था, जो 29 अक्टूबर को 50 रुपए चढ़कर 2150 रुपए क्विंटल हो गया। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में भी मक्का के सौदों में बढ़त देखने को मिली। यहां 28 अक्टूबर को मक्का का भाव 2200 रुपए रहा, 29 अक्टूबर को इसमें 10 रुपए की बढ़त हुई और भाव 2210 रुपए क्विंटल हो गया। उत्तर प्रदेश की हरदोई मंडी की बात करें तो यहां भी मजबूती का सिलसिला जारी रहा। यहां 28 अक्टूबर को मक्का का भाव 2270 रुपए था, 29 अक्टूबर को इसमें 5 रुपए की मामूली बढ़ोतरी हुई और भाव 2275 रुपए हो गया। जबकि गुजरात की जम्बूसर मंडी में कमजोरी के साथ कारोबार हुआ। यहां 28 अक्टूबर को मक्का का भाव 2200 रुपए था, जो 29 अक्टूबर को 200 रुपए गिरकर 2000 रुपए रह गया। इस साल घरेलू स्तर पर कुल मक्का की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी अंतिम अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में कुल मक्का की उपज 376,65,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जो पिछले साल की 380,85,000 टन पैदावार की तुलना में करीब 4,20,000 टन कम है। अनुमान है कि कुल मक्का की उपज का असर इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। बता दें कि केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में मक्का भी शामिल है। मक्का का एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 2090 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसकी एमएसपी साल 2024-25 के दौरान 135 रुपए बढ़ाकर 2225 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। जहाँ तो मक्का के बाजार पर ये रिपोर्ट आपने देखी। आइए अब बाजार की स्थिति को और बेहतर तरीके से समझने के लिए बात करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। अनुज गुप्ता इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़ गए हैं। अनुज जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे हम मक्का के बाजार के बारे में, क्या राय है आपकी? अगर हम बात करें मक्के की, तो मक्के के बाजार में हमने तेजी आती हुई देखी है। भावों में हमने एक अप ट्रेंड आता हुआ देखा है। डिमांड बढ़ने की वजह से भावों में तेजी लौटती हुई दिखाई दी है। हालांकि इस बार अगर हम देखें तो मक्के की पैदावार देखने को मिली है, मगर साथ साथ डिमांड भी बढ़ती हुई दिखाई दी, जिसकी वजह से भावों में तेजी आती हुई दिखाई दी है। हमें लग रहा है कि आने वाले दिनों में डिमांड का असर भावों में रहेगा और भावों में हमें लगता है कि तेजी का असर रह सकता है। जी बिल्कुल। तो अनुज जी, अभी तेजी का जो रुख है, क्या किसानों को इसी का लाभ लेना चाहिए और अभी बिकवाली करनी चाहिए, या फिर बेहतर भाव के लिए कुछ और इंतजार कर सकते हैं? क्या सलाह देंगे आप?
मक्के किसानों को सलाह है कि उनको अभी क्रॉप को होल्ड करके चलना चाहिए, त्योहारी मांग के चलते डिमांड बढ़ सकती है। हमें लगता है कि किसान अगर मक्के को होल्ड करते हैं तो छोटी अवधि में उनको यहाँ से अच्छे दाम मिल सकते हैं। हालांकि लंबी अवधि की अगर बात करें तो वहाँ पर सप्लाई का असर रहेगा, मगर फिलहाल छोटी अवधि में डिमांड की वजह से भावों में अच्छे दाम किसानों को मिल सकते हैं। बिल्कुल अनुज जी, आप हमारे साथ जुड़े रहे, आगे भी जानकारी लेंगे। तो छोटी अवधि का अगर आपका रुख है तो अच्छे भाव के लिए कुछ और इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि मक्का की अच्छी मांग निकल कर सामने आ रही है। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं कि अमरूद के हाजिर भाव देश के अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या रहे। गुजरात की पोरबंदर मंडी में अमरूद का भाव रहा 3,500 रुपए प्रति क्विंटल और पंजाब के लुधियाना मंडी में भी भाव इसी तरह से रहे 3,500 रुपए। राजस्थान की जयपुर मंडी में सौदे 3,750 रुपए पर हुए और हरियाणा की हांसी मंडी की बात की जाए तो यहाँ पर अमरूद का भाव रहा 4,500 रुपए प्रति क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। आगे बढ़ते हैं और मसूर की बात करते हैं। कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को मसूर के सौदे कमजोरी के साथ हुए। उत्तर प्रदेश के अधिकतर मंडियों में मामूली गिरावट दर्ज हुई, वहीं कुछ मंडियों में इसके भाव तेज भी रहे। मसूर के कारोबार पर पेश है ये रिपोर्ट। ज्यादातर मंडियों में मंगलवार को मसूर का कारोबार नरमी के साथ हुआ, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान भाव में बढ़त देखने को मिली। एगमार्कनेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में मसूर के सौदे नरम भाव पर हुए। यहां 28 अक्टूबर को इसका भाव 6,440 रुपए था, जो 29 अक्टूबर को 20 रुपए गिरकर 6,420 रुपए क्विंटल रह गया। राज्य की लखीमपुर मंडी में भी मसूर के कारोबार में सुस्ती देखने को मिली। यहां 28 अक्टूबर को इसका भाव 6,760 रुपए था, जो 29 अक्टूबर को 10 रुपए लुढ़क कर 6,750 रुपए क्विंटल रह गया। उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ मंडी में गिरावट का सिलसिला जारी रहा। यहां 28 अक्टूबर को मसूर का भाव था 6,885 रुपए, जो 29 अक्टूबर को 5 रुपए की मामूली नरमी के बाद 6,880 रुपए रह गया। जबकि उत्तर प्रदेश की ही बलिया मंडी में मसूर के सौदे मजबूती के साथ हुए। यहां 28 अक्टूबर को इसका भाव 6,870 रुपए था, जो 29 अक्टूबर को 5 रुपए चढ़कर 6,875 रुपए क्विंटल हो गया। बात मसूर की पैदावार की करें तो इस साल रबी मसूर की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के अंतिम अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में मसूर की उपज 17,91,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मसूर की उपज 15,59,000 टन रही थी। और आइए एक बार फिर से बाजार की जानकारी का रुख करते हैं। अनुज जी, अब दलहन पैक में खासतौर पर मसूर के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, क्या लगता है आपको आने वाले दिनों में मसूर का भाव कैसा रह सकता है? मसूर की अगर बात करें तो मसूर के अंदर इस बार मानसून अच्छा रहा है और उसकी वजह से लग रहा है कि मसूर की पैदावार बढ़ सकती है। हालांकि सरकार ने इस बार MSP भी बढ़ाया है, जिसका असर मसूर की पैदावार पर पड़ सकता है और एक्सपेक्टेशन है कि मसूर की पैदावार आने वाले दिनों में बढ़ सकती है। जैसे जैसे आवक बढ़ेगी भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। हमें लगता है कि इस बार दालों में अच्छी पैदावार देखी जा सकती है, जिसकी वजह से भावों में एक सीमित दायरे का कारोबार हो सकता है। बिल्कुल, ऐसे में किसानों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे जिनके पास मसूर का स्टॉक है? मसूर के किसानों को सलाह है कि जो भी उछाल मिले वहाँ अपनी क्रॉप को बेच के निकल सकते हैं, क्योंकि आगे नई क्रॉप की एक्सपेक्टेशन है, पैदावार बढ़ सकती है और हमें लग रहा है कि आने वाले दिनों में भावों में मिला जुला कारोबार रह सकता है। जैसे जैसे आवक बढ़ेगी भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। हमें लगता है किसानों को मसूर को बेच के निकल जाना चाहिए। बिल्कुल अनुज जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। तो मसूर के किसानों के लिए कमोडिटी एक्सपर्ट की सलाह यही है कि वो बिकवाली कर सकते हैं। बहरहाल मंडी खबर में आगे बढ़ने से पहले आपको एक महत्वपूर्ण सूचना दे दें, दीपों के त्यौहार दिवाली के खास मौके पर देखना ना भूले मंडी खबर का हमारा खास कार्यक्रम 31 अक्टूबर को सुबह 8 बजे और शाम 5 बजे सिर्फ आपके अपने दूरदर्शन किसान चैनल पर। और इसी के साथ मंडी खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी जौ, सरसों और चने की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है दूरदर्शन के साथ पर इस वक्त आप देख रहे हैं मंडी खबर। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे सरसों और चने के बारे में, लेकिन आइए पहले बात कर लेते हैं जौ की। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से साल 2023-24 के लिए अंतिम अनुमान जारी किया गया है, जिसके मुताबिक देश में रबी जौ की पैदावार साल 2023-24 के दौरान 16,99,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी जौ की उपज 19,13,000 टन रही थी। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों जौ की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो एग्मार्टनेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ मंडी में जौ का भाव रहा 2,410 रुपए प्रति क्विंटल। और इसी के साथ कानपुर मंडी की बात करें तो यहां पर बिकवाली 2,420 रुपए में हुई, जबकि राज्य की ही राय बरेली मंडी में इस दौरान जौ के सौदे 2,475 रुपए पर हुए। वहीं राजस्थान की विजयनगर मंडी में जौ का भाव रहा 2,150 रुपए। बता दें कि कुछ समय पहले केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। इन रबी फसलों में जौ भी शामिल है। रबी जौ की एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 1,735 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे 115 रुपए बढ़ाकर 1,850 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, आइए उनसे फिर बात करते हैं। अनुज जी, अब जौ के बारे में जानना चाहेंगे, इसके बाजार का रुख कैसा नजर आ रहा है आपको, भाव कैसे जाते हुए दिख रहे हैं? जौ की अगर बात करें तो जौ के बाजार में हमने तेजी लौटती हुई देखी है। डिमांड का असर भावों पे रहा है। हालांकि मोटे अनाजों की बात करें तो इस बार मोटे अनाजों की पैदावार बढ़ती हुई दिखाई दी है, मगर उसके साथ साथ हमने डिमांड भी बढ़ती हुई देखी है। हमें लगता है कि जौ के बाजार में आने वाले दिनों में तेजी आ सकती है, डिमांड का असर भावों पे देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, तो ऐसे में किसानों को क्या करना चाहिए जो बिकवाली करने की सोच रहे हैं? जौ के किसानों को सलाह है कि उनको क्रॉप को होल्ड करके चलना चाहिए, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। जौ के बाजार में डिमांड का असर रहेगा। हमने देखा है कि कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल यूसेज भी हमने जौ का आते हुए देखा है और निर्यात मांग भी बढ़ती हुई दिखाई दी है। हमें लगता है कि जौ के बाजार में आने वाले दिनों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। किसानों के लिए सलाह है कि अपनी क्रॉप को होल्ड करके चलें, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल अनुज जी, आप हमारे साथ बने रहें तो जौ के जो किसान हैं वो अच्छे भाव के लिए यहाँ पर कुछ और इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि अच्छी मांग निकलती हुई यहाँ पर दिख रही है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, मौसमी के हाजिर भाव पर नजर डाल लेते हैं। बीते कारोबारी दिन देश की विभिन्न मंडियों में क्या रुख रहा, आइए देखते हैं। शुरुआत करते हैं गुजरात के पोरबंदर मंडी से। यहां मौसमी का भाव रहा 5,000 रुपए प्रति क्विंटल, तो हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में सौदे 4,500 रुपए पर हुए। वहीं पंजाब की लुधियाना मंडी में भाव रहा 3,000 रुपए और उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ मंडी में सौदे 3,445 रुपए पर हुए। ये सभी भाव आवक गुणवत्ता के आधार पर हैं। आगे बढ़ते हैं, सरसों की बात करते हैं। मंगलवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सरसों की आवक सामान्य देखने को मिली। भाव की बात करें तो एग्मार्टनेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में सरसों का भाव रहा 5,970 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं लखनऊ मंडी में भाव रहा 5,850 रुपए। राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में सरसों 5,574 रुपए पर बिकी, जबकि महाराष्ट्र के मुंबई मंडी में सरसों के सौदे 6,750 रुपए पर हुए। वहीं बात सरसों की पैदावार की करें तो इस साल तिलहनी फसलों में शामिल सरसों की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी अंतिम अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर साल 2023-24 के दौरान 132,59,000 टन सरसों पैदा होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान सरसों की पैदावार 126,43,000 टन रही थी। बता दें कि कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है, जिसमें रबी सरसों भी शामिल है। रबी सरसों की एमएसपी साल 2023-24 में 5,450 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिससे साल 2024-25 के लिए 200 रुपए बढ़ाकर 5,650 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। अनुज जी, तलहनी फसलों में प्रमुख सरसों के बारे में जानना चाहेंगे आपसे, बाजार का रुख कैसा नजर आ रहा है?
सरसों की अगर बात करें तो हमने सभी तिलहन के अंदर तेजी का रुख आते हुए देखा है, सरसों के अंदर भी हमने तेजी का रुख बनते हुए देखा है। कहीं ना कहीं देखें तो जिस तरीके से डिमांड बढ़ी है, त्योहारी मांग के चलते सरसों के बाजार में तेजी का रुख बनता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि इस बार भारत में हमने सरसों की बंपर क्रॉप देखी थी, मगर उसके बावजूद त्योहारी मांग के चलते भावों में हमने एक तेजी का रुख बनते हुए देखा है। छोटी अवधि में लग रहा है कि भावों में तेजी का रुख और देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो क्या किसान ऐसे में कुछ और इंतजार कर ले अच्छे भाव के लिए, आप क्या सलाह देंगे उन्हें? सरसों के किसानों को सलाह है कि उनको क्रॉप को होल्ड करके चलना चाहिए, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। त्योहारी मांग का असर भावों पर रहेगा, छोटी अवधि में भावों में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। हालांकि लंबी अवधि की बात करें तो इस बार मॉनसून अच्छा रहा है और आगे जो नई क्रॉप आएगी वो भी बंपर आती हुई दिखाई दे रही है, तो लंबी अवधि में भाव सीमित आने में रहेंगे, मगर छोटी अवधि में भावों में तेजी का रुख रह सकता है। हमें लगता है किसानों को क्रॉप को होल्ड करके चलना चाहिए। बिल्कुल अनुज जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। आगे बढ़ते हैं और संतरे के हाजिर भाव पर नजर डाल लेते हैं। देश की विभिन्न मंडियों का ये रुख करते हैं और जानते हैं बीते कारोबारी दिन क्या स्थिति रही मंडियों में। तो ऐसे में राजस्थान की जयपुर मंडी की सबसे पहले बात करें तो यहां संतरे का भाव रहा 3,000 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं पंजाब की लुधियाना मंडी में सौदे 3,500 रुपए पर हुए, तो हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में भाव 2,500 रुपए रहा और महाराष्ट्र की पुणे मंडी में सौदे हुए 4,000 रुपए में। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर है। अब बात चने की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों चने की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। बात हाजिर भाव की करें तो एग्मार्केट के मुताबिक महाराष्ट्र के पुणे मंडी में चने का भाव रहा 7,900 रुपए प्रति क्विंटल। गुजरात की दाहोद मंडी की बात की जाए तो यहां पर चने के सौदे 6,775 रुपए में हुए। वहीं उत्तर प्रदेश की रायबरेली मंडी में चने का भाव रहा 7,500 रुपए। इसी राज्य की कानपुर मंडी में चना 7,230 रुपए पर बिका। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी अंतिम अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में रबी चने की पैदावार 110,39,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी चने की उपज 122,67,000 टन हुई थी। अनुज जी, अब चने के बाजार के बारे में बताएं, क्या अनुमान है आपका, भाव किस ओर जाएंगे आगे? चने की अगर बात करें तो चने में हमने इस बार अच्छी स्विंग देखी है और लग रहा है कि इस बार जो मॉनसून गया है अच्छा नॉर्मल मॉनसून गया है, उसकी वजह से आने वाले दिनों में अच्छी पैदावार भी देखने को मिल सकती है। तो जब नई क्रॉप आएगी तो भावों में नरम होते हुए दिखाई देंगे। इस बार लग रहा है कि चने में बंपर क्रॉप हम देख सकते हैं और सभी दालों में इस बार लग रहा है कि बंपर क्रॉप की उम्मीद है, जिसकी वजह से भावों में सीमित आय का कारोबार रह सकता है। बिल्कुल, तो ऐसे में अच्छा भाव किसानों को कब मिल सकता है, उन्हें कब बिकवाली करने की सोचनी चाहिए, क्या सलाह देंगे आप? चने के किसानों को सलाह है कि उनको फिलहाल क्रॉप को बेच कर निकल जाना चाहिए, क्योंकि आगे चल के जैसे जैसे लंबी अवधि में नई क्रॉप की आवक शुरू होगी तो भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। हमें लगता है छोटी अवधि में भाव सीमित दायरे में रहेंगे, मगर लंबी अवधि में भावों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। हमें लगता है किसानों को क्रॉप को बेच कर निकल जाना चाहिए। बिल्कुल अनुज जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, तो चने के जो किसान हैं उनके लिए कमोडिटी एक्सपर्ट की सलाह यही रहेगी कि आप अभी बिकवाली कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे नई फसल की आवक होती रहेगी मंडियों में भाव और भी नरम पड़ सकते हैं। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं और पत्ता गोभी की बात कर लेते हैं। जानते हैं कि देश के अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या स्थिति रही। गुजरात की दाहोद मंडी में पत्ता गोभी का भाव रहा 2,500 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में सौदे 1,100 रुपए में हुए, जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 1,750 रुपए और उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में सौदे 2,320 रुपए में हुए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। इसी के साथ मंडी खबर में आगे बढ़ेंगे, लेकिन खास जानकारी आपको देते चले कि दीपों के त्योहार दिवाली के खास मौके पर देखना न भूले मंडी खबर का हमारा खास कार्यक्रम 31 अक्टूबर को सुबह 8 बजे और शाम 5 बजे सिर्फ आपके अपने दूरदर्शन किसान चैनल पर। इसी के साथ यहां पर लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद आगे जानेंगे टमाटर का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। हाजिर मंडी हो या हो वायदा बाजार, विदेशी बाजार या हो घरेलू बाजार, हर फसल के कारोबार का पूरा लेखा जोखा, पूरा बही खाता, सभी कृषि जिंसों का
खेत से मंडी तक का पूरा सफर। देखिए हमारा नया प्रोग्राम अपना कमोडिटी एक्सपर्ट हर शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन के साथ पर और पुनः प्रसारण शनिवार सुबह 7 बजे और शाम 4 बजे। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। आइए अब बात करते हैं टमाटर की। मंडियों में इन दिनों टमाटर की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। बात हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की दामनगर मंडी में टमाटर का भाव रहा 4,250 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं पंजाब की गढ़शंकर मंडी में सौदे हुए 3,700 रुपए में। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में टमाटर 5,500 रुपए पर बिका, जबकि उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में टमाटर के सौदे 3,600 रुपए पर हुए। भारत के 7 राज्य ऐसे हैं जहां टमाटर की सबसे ज्यादा खेती होती है। ये राज्य देश का 75% टमाटर पैदा करते हैं। आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा टमाटर की पैदावार देखने को मिलती है। यहां कुल टमाटर की पैदावार का तकरीबन 17% होता है। इसके बाद कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, गुजरात और पश्चिम बंगाल है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर टमाटर की पैदावार साल 2023-24 के दौरान 213.20 लाख टन होने की उम्मीद जताई गई है, जबकि पिछले साल इस दौरान टमाटर की उपज लगभग 204.25 लाख टन थी। यानी इस साल टमाटर की पैदावार में 4.38% का इजाफा देखने को मिल सकता है। अनुमान है कि इसका असर टमाटर के बाजार पर भी पड़ सकता है। कमोडिटी एक्सपर्ट लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आइए एक बार फिर सुनकर रुक करते हैं। अनुज जी, जानना चाहेंगे टमाटर के बाजार के बारे में, भाव के सोर जाते हुए दिख रहे हैं आपको? टमाटर की अगर बात करें तो टमाटर में हमने मंडियों में नई आवक शुरू होती हुई देखी है और हमें लगता है कि नई आवक जैसे जैसे बढ़ेगी भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल अभी भाव सीमित दायरे में, मगर हमारा ये मानना है कि आगे चलकर भावों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, ऐसे में किसानों के लिए आपकी क्या खास सलाह रहेगी? टमाटर के किसानों को सलाह है कि उनको क्रॉप को बेचकर निकल जाना चाहिए, भावों में आगे नरमी देखने को मिल सकती है। बंपर पैदावार रही है जिसका असर भावों पे आ सकता है। नई क्रॉप की आवक शुरू होती हुई दिख रही है और लगता है कि जैसे आवक बढ़ेगी भाव नरम होते हुए दिखाई दे सकते हैं। बिल्कुल, और अनुज जी चलते चलते आपसे जानना चाहेंगे कि तमाम कृषि जिंसों के बाजार की स्थिति को देखते हुए आप किसानों को क्या खास टिप्स देना चाहेंगे इस वक्त? आज की अगर हम ओवरऑल बात करें तो हमें लगता है कि तिलहन के अंदर एक तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। सभी तिलहनों के अंदर, चाहे वो सरसों हो, चाहे सोयाबीन हो, चाहे खाद्य तेल हो, सभी के अंदर हमें लगता है कि भावों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है जी। तभी तिलहन के अंदर अगर बात करें तो त्योहारी मांग का असर रहेगा जिसकी वजह से भावों में तेजी देखने को मिल सकती है। हमें लगता है कि किसानों को तिलहन के अंदर व्यापार देखना चाहिए, तिलहन को होल्ड करके चलना चाहिए, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। हमें लगता है कि त्योहारी मांग के चलते और शादियों के सीजन की वजह से तिलहन के अंदर किसानों को अच्छे दाम मिल सकते हैं। तो किसान तिलहन को, सरसों को, सोयाबीन को, सोयाबीन ऑयल को होल्ड करके यहाँ से चल सकते हैं, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल अनुज जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए। जी हाँ, तो आपने जाना कृषि जिंसों की स्थिति के बारे में। और अब चलते चलते आपको एक खास जानकारी एक बार फिर से हम बताते चले कि दीपों के त्यौहार दिवाली के खास मौके पर मंडी खबर का हमारा खास कार्यक्रम 31 अक्टूबर को सुबह 8 बजे और शाम 5 बजे प्रसारित होगा आपके अपने दूरदर्शन किसान चैनल पर, तो देखना न भूलें। आगे बढ़ते हैं और शिमला मिर्च के हाजिर भाव पर अब नजर डाल लेते हैं। बता दें आपको, बीते कारोबारी दिन देश की विभिन्न मंडियों में क्या स्थिति रही और कैसे इसके भाव रहे, तो आइए नजर डालते हैं अलग अलग मंडियों पर। गुजरात के लुधियाना मंडी की बात करें तो यहां पर भाव रहा 3,500 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं राजस्थान की जालौर मंडी में सौदे 3,800 रुपए पर हुए। पंजाब की लुधियाना मंडी की बात की जाए तो यहां पर भी 3,500 रुपए में बिकवाली हुई। और हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में शिमला मिर्च के सौदे हुए 5,000 रुपए पर।
और अब आखिर में नजर डाल लेते हैं खीरे के हाजिर भाव पर। बता दें आपको कि खीरे के हाजिर भाव कैसे रहे अलग अलग मंडियों में। और गुजरात की दाहोद मंडी से आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। आपको बता दें यहाँ पर खीरे के सौदे 4,000 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए, तो वहीं हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में भाव रहा 4,300 रुपए। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में सौदे 2,200 रुपए में हुए, तो उत्तर प्रदेश की रायबरेली मंडी में भाव रहा 2,325 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। और इसी के साथ आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। मंडी खबर को आप दूरदर्शन किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं और कभी भी कहीं भी मंडी भाव से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां फिर से हासिल कर सकते हैं। तो ज़रूर जुड़े मंडी खबर के जो यूट्यूब चैनल है उसे यूट्यूब पर आप दूरदर्शन किसान से जुड़ सकते हैं और तमाम खबरें वापस देख सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। इस बार का जो शो है वो कुछ स्पेशल रहने वाला है। क्या भाव अंतरराष्ट्रीय बाजारों के अंदर मिलेंगे, इस पर हम बात करेंगे। निवेश करता है वो काली मिर्च को जरूर देखता है, क्योंकि काली मिर्च एक ऐसी आइटम है जो सालों तक रह सकती है। 2004 से लेकर के अभी तक का जो सफर है सोने का बड़ा बेहतरीन रहा है। 2004 में 4,500 रुपए और 2024 में 80,000 रुपए। वो आपकी काली मिर्च में निवेश कैसे कर सकते हैं? ई फॉर्मेट में इसको आप स्टोर कर सकते हो और इसके बाद इसको हमारा जो नया ई ऑनलाइन ऑक्शन चालू हुआ है वहाँ पे काली मिर्च को आप ट्रेड कर सकते हो। 2,000-3,000 रुपए ऊपर नीचे तो हो सकता है, लेकिन करेक्शन के बाद में सीधा ग्राफ बनते हैं ऊपर की तरफ ही जाएगा। 1,00,000 कब तक करेगा? देखिए अपना कमोडिटी एक्सपर्ट दीपावली विशेष हमारे खास मेहमान आनंद किशोर योगेश सिंघल जी के साथ इस शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। एडमिशन जॉब वित्तीय बाजार का ग्राफ विज्ञान प्रौद्योगिकी साइबर क्राइम का मायाजाल वाइल्ड लाइफ खेल जगत की उठापटक फिल्मी दुनिया की हलचल स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां तमाम उलझन हम लाए हैं सॉल्यूशन। डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे डीडी नेशनल पर। अब मैं गंगा सागर जा रहा हूं और सुना है कि ये यात्रा इतनी सीधी नहीं है। गंगा सागर शहर एक छोटा सा धार्मिक स्थल है जिसके बीच में स्थित है कपिल मुनि का मंदिर। पुराणों के अनुसार कपिल मुनि के श्राप के कारण ही राजा सगर के 60,000 पुत्रों की इसी स्थान पर तत्काल मृत्यु हो गई थी। गंगा की धरती पर आने के बाद राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मुक्ति मिली। मान्यता है कि कपिल मुनि मंदिर के दर्शन के बिना आपकी गंगा यात्रा पूरी नहीं होती। रग रग में गंगा सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे पुनः प्रसारण प्रातः 9 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। यूपी वाला ठुमका लगाओ के हीरो जैसे नाच के दिखाओ। यूपी वाला ठुमका लगाओ के हीरो जैसे। जैसे आपके नगर मधुबनी की पेंटिंग्स पूरी दुनिया में पहचानी जाती हैं, एक दिन आप भी पूरी दुनिया में पहचाने जाएंगे। यू आर अ वेरी वर्सटाइल सिंगर, आपने दिल जीता है हमारा हमेशा। प्रत्येक शनिवार और रविवार शाम 7 बजे डीडी नेशनल पर। दुनिया भर में लगी है ह्यूमनॉइड रोबोट बनाने की होड़, देखिए कहां कितनी तरक्की हुई। विस्तार से जानिए मंथन में शनिवार 12 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।
कितने ही रंग है हमारे देश में, रंग भाषा के, रंग संस्कृति के, रंग गीत के, रंग संगीत के। सातों सुरों की सहेली, रंगों की है ये पहेली, सतरंगी है ये अटखेली। और रंग हमारी भावनाओं के, इन सभी चटक और सुरीले रंगों से मिलकर बनी रंगोली। देखिए रंगोली प्रत्येक रविवार सुबह 8 बजे सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। किसान बदलते भारत की शान।